ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नर बिहार जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव। तो आज आप इतने देर हमको शेरवानी पहना पाए, इतनी तो मेरी बीवी भी नहीं पहना। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज कटिहार पहुंचे थे अल करीम यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में, लेकिन मंच पर वो पहुंचे, कार्यक्रम लंबा था, जब उनकी बारी आई भाषण देने की तो उनको उनकी बीवी की याद आ गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुले मंच पर उन्होंने इसका एक तरह से कह सकते हैं कि इजहार भी किया, क्यों आ रही है उनकी बीवी की याद उनको। सबसे पहले उनका पूरा बयान देखिए, किस तरीके से शेरवानी का जिक्र करते हैं तेजस्वी यादव अपनी शादी का, और जिक्र करते करते अपनी बीवी का भी जिक्र करना तेजस्वी यादव नहीं भूलते हैं। And I married to a Christian lady. तो आज आप इतने देर हमको शेरवानी पहना पाए, इतनी तो मेरी बीवी भी नहीं पहना। वो तो आपको हम थैंकफुल कर रहे हैं। तो बात ये है कि अब हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, 5 पोर्टफोलियो है हमारे पास, और नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, और हम लोगों का प्रयास है कि लोगों की सेवा की जाए। जिस वादे के साथ हम लोग आए हैं, हम लोगों का एक ही वादा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार थी, क्योंकि बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है यही जरूरत। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कहीं ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई मेजर। और आज इतने स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि यहां से जब जा रहे हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होकर के जा रहे हैं, जितने आज डिग्री मिली है। अब आप जाइएगा, राष्ट्र को सेवा कीजिएगा, देश की सेवा कीजिएगा, कई लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और आप बताइए, कटिहार इतना पिछड़ा जिला है, गरीब जिला है, अब तो धन्यवाद देते हैं कि क्या दूरदर्शिता रही होगी करीम साहब की, क्या सोच के कहां खोला, कहां मतलब आज यहां दस्तक किया हुआ बच्चा जो है देश के विदेश के कहीं भी जाकर के किसी भी अस्पताल में जो है काम कर सकता है, कितनी बड़ी बात है। और जब यहां का बच्चा बाहर जाएगा, डॉक्टर इलाज करेगा, तो आप समझिए कोई पूछेगा तो भाई कहां से आपने पढ़ाई की, तो बोलेगा कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो कटिहार कहाँ है, तो बिहार में। हम लोगों का सीना कितना चौड़ा है। तेजस्वी यादव जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अल करीम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उन्हें गाउन पहनाया है और इतनी देर तक पहना के रखा है, इतनी देर तक तो उन्होंने अपनी शादी में भी शेरवानी भी नहीं पहनी थी। तो कुल मिला कहें कि आज कटिहार में तेजस्वी यादव का दौरा बेहद खास रहा। वो अल करीम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं, छात्रों से 1-to-1 बातें करते हैं, विकास को लेकर भी बातें करते हैं। इस दौरान कई बातें वो कहते हैं, किस तरीके से उनका विजन है कि वो बिहार को आगे ले जाएंगे, और बोलते बोलते उनको याद जो है उनकी पत्नी की आ जाती है, और फिर वो कहते हैं शेरवानी का जिक्र कर डालते हैं। हमने आपको ये बाइट भी सुनाया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 नेशन।